भी तो थोड़ी ही देर हुई है हमें चलते हुए, तो 3.5-4 घंटे का तो है रास्ता, टाइम लगेगा अभी। अभी तो मैं आधा घंटा हुआ चलते हुए, अब है 1 घंटा। अभी हम पहुंचे हैं टोल प्लाजा नरवाना। अभी हम यहाँ पे उतरे हैं, अभी 1-1.5 घंटा हमने चल दिया, उसके बाद फिर हम यहाँ चाय वगैरह पीने के लिए। सर बुला रहे हैं हमें, कितने बच्चों आ जा रहा है। पहले मेरा कोई आज मूड नहीं था ब्लॉग करने का, फिर सोचा अब इतना लंबा टाइम था, फिर हमने ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया। अभी हम यहाँ पे उतरे हैं कैथल हवेली करके। अरे आज तो हमारे टीचर ने मुझे साफ बोल दिया, पूछो ले लो फोटो वोटो जो तुम्हें लेनी है, जो मुझे करना है एक ही दिन है, फिर हम तो चलो ठीक है। हमारे बच्चों का फोटो शूटिंग चल रहा है। यस सर आ गए हैं, बुला रहे हैं क्या, जो आ जाओ एक बार बाद में कर लेना फोटो शूटिंग। अब हम जा रहे हैं, आज सर एकदम फ्रैंक हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे फ्रेंड्स की तरह। हेलो, तीनों ही डॉक्यूमेंट्री के बच्चे हैं, बाकी 3 दीदियाँ हैं वो खुश नहीं है। हमारी चल रही है टी पार्टी, बना दिया था जब बनाएंगे पोज, लो 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 पोज। हमने अंदर नहीं, हमने बाहर ही चाय पी ली थोड़ी खुली हवा में, यहाँ पे हमारे लिए सर बोलते अंदर जाओ अंदर ज़्यादा अच्छा है। फोटो शूटिंग कर लिए थे सभी, हाँ सर को बुला लेते हैं, सर को सर को बुला लेते हैं साथ में। सर 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 चलो चलो सर को बुलाते हैं, मैम एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं हम सारे, उनको बुला लो। हाँ मैम सर आ जाओ, सर आ जाओ, आ जाओ, चलिए आज तो सर का मूड इतना अच्छा है ना, सर इतने फ्रैंक को रखे हैं हमारे साथ आज। हाँ हाँ कर दूंगी, भावना भावना कौन सी वर्कशॉप में, हाँ अच्छा आप भी थे उसमें, तभी मेरे को याद आया, मैंने कहा देखा हुआ है। अच्छा हाँ सर बार बार हम बोल रहे ले लो फोटो, कोई बात नहीं टाइम है अभी, शांत आराम से रहो बच्चो एंजॉय करो, अच्छी है वैसे जगह कैथल हवेली। अच्छा अगर आप कभी इस रूट से आना विजिट कर सकते हैं यहाँ पे, अच्छा है बाहर भी, अच्छा है करते अभी हम झूला झूल रहे हैं, अभी तो सर पहले बोल रहे थे आराम से, क्योंकि अब सर बुला रहे हैं हमें, अभी हमें जाना पड़ेगा, अब हमारा जाने का मन नहीं कर रहा अभी अभी तो हमें जाना पड़ेगा जरूरी है, अभी तो हमने स्टार्ट की है थोड़ी सी, अब सर हमें देख रहे हैं घूर घूर के चलते हैं, अब सर बोलेंगे बिल्कुल ही फ्रैंक हो गए। अभी तो क्लीन है, बाकियों की भी नहीं हुई है, हम भी थोड़ा सा, बाकी सभी ठीक है, हमारी जल्दी कंप्लीट हो गई। ये रहे हमारे सर, हमारे सर और मैम, चलो अलविदा इस जगह को, अब हम चल रहे हैं, पता नहीं दोबारा कभी आएंगे, चलो अब हम वापस जा रहे हैं, चलते हैं अभी, पता नहीं कितना दूर हो रहे हैं, कैथल पहुँचे हैं।
सर की फोटो शूट कर दी। सर तो खिंचवा नहीं रहे थे, सर ने हमने कहा सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, अब डॉल लग रहे हैं डॉल। अच्छे ही है सर की फ़ोटो भी। चलो अब हम चलते हैं, ये हमारी गाड़ी है, चलो अब हम चलते हैं वापस। हमारी डॉक्यूमेंट्री का कोड। हम यहाँ पे उतरे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने के लिए, तो जो जो बच्चे अलग अलग इवेंट के थे हम सब अलग अलग गए। हम तीन बच्चे हैं, हम तीनों डॉक्यूमेंट्री के हैं। रजिस्ट्रेशन हमने करा दिया, अभी डॉक्यूमेंट्री भी हमने सबमिट करा दी। हमारी बहुत हो गई है,
एज पूछ रहे हैं या मैं बहुत पुरानी हो चुकी हूँ, मैं नहीं अपनी एज रिवील करना। मैं कितने साल की लगती हूँ? लगती कितने साल की? फिर भी 10-11 20 or 21 कुछ है। दिखाना अपनी शक्ल, दिखाना यार इतना अच्छा एस्टिमेट कैसे। चलो अभी हमारी डॉक्यूमेंट्रीज प्ले होने वाली है, अभी हमें थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है पता नहीं, क्योंकि डिवीज़न लेवल तो हमने कर लिया क्रॉस, बट अभी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आए होंगे पूरे, क्योंकि स्टेट लेवल का है तो। हाँ हम लोग आए थे अभी वॉशरूम घूमने, अभी कैंटीन में घुसने लगे हैं बाबा साहब। चलो फिर अब हमारी रखमेंट होगी थोड़ी देर में। अब ये है कि पता नहीं हमारा मतलब पोजीशन आएगी कि नहीं आएगी, बट वॉशरूम जाने पोजीशन आए ना आए वो नहीं पता, बट एटलीस्ट हम ठीक है इंजॉय तो कर ले, ना भी आई कम से कम मैं स्मूथ रखता हूँ तुम्हारा पूरे दिन, इंजॉय कर लेते हैं आएगी तो कम से कम ट्रिप तो खराब ना हो। हम तीन डॉक्यूमेंट्री के वाले बच्चे हैं, बाकी तो सारे सब अपने अपने जो भी इवेंट था उसके अकॉर्डिंग सब अलग अलग हो गए, सब चले गए। हाँ कर दिया, अब क्या करें हम, चलो चलते हैं अभी हम पूछ के तो आ जाए। हम ना वहाँ से टाइम नहीं पूछ गए कि रजिस्ट्रेशन हमने करा दिया, अपनी डॉक्यूमेंट्री दे दी, ये नहीं पूछ के आए कि हमें प्रेजेंट कितने बजे होना है वहाँ, उसके बाद से आगे घूम रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं, चलो पूछ ही लेते हैं, ऐसे हम सोचे थोड़ा और पूछ लें घूम लें मतलब थोड़ा और, बट पहले हम डायरेक्ट पूछ आते हैं कि कितनी देर में मतलब स्टार्ट होगा, फिर अगर टाइम हुआ तो और घूम लेंगे हम, काम ही क्या है हमारे पास। पीपीटी वाले बच्चों को थोड़ी टेंशन होती है प्रेजेंट करना होता है, हमने भाई हमारी सारी मेहनत एक ही बार में कर ली। जैसे गए ना उन्होंने बोला था ना हम पूछ के नहीं आए, हम जैसे ही गए तभी उन्होंने बोल दिया था कि अभी प्ले होने वाली है तो बैठ जाओ। अच्छा उस टाइम चले गए, पहले हमारी डॉक्यूमेंट्री भी हो चुकी है प्ले सबकी, अभी रिजल्ट वो लोग लास्ट में अनाउंस करेंगे शाम को, कुछ बोल रहे थे कुछ समापन में करेंगे ऐसा कुछ, रिजल्ट बाद में आएगा। अभी आ गए हम बाहर, अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। वैसे यहाँ इतनी सारी सब्जियाँ हैं, तीन कुछ है दाल एक राजमा कड़ी, बट सिर्फ राइस है इधर साथ में चपाती वगैरह कुछ नहीं। हमारे कॉलेज ने वैसे ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट किया था है ना। खाना खाना हमने खा लिया, अभी हम कैंटीन आए कोल्ड ड्रिंक के लिए, खाना हमने ज़्यादा टेस्टी। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, कैंटीन है शोर हो रहा है, भीड़ कम है पर शोर ज़्यादा है बाहर जाके। बस आगे कैंटीन से ये हमारी ड्रिंक्स है, ये देखो मैंने ले लिया, और हमारी प्रीति ने ली है लस्सी, ये देख रही थी। इस कॉलेज में इतनी भीड़ थी कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी, यहाँ पे आ रही है। अभी हमने खाना खाया है, खाना खा के अभी हम लोग यहाँ, बाकी बच्चे पता नहीं कहाँ, हमें कुछ अता पता ही नहीं है, बस हम तीन डॉक्यूमेंट्री वाले साथ थे तब से हम लोग तीन साथ हैं। हमने पूछा भी उनसे वो कहाँ, हाँ पूछा था मैंने, वैसे मैंने ग्रुप में मैसेज किया था तो बताया था अलग रूम में हम लोग। ऐसा ही तो रिएक्शन क्यों दे रही हो। ये इनको अच्छा खासा कहा था चल पड़ो घूम लो, अब खाना भी खा लिया, इनकी फोटो शूटिंग नहीं खत्म हो रही है। हाँ यहाँ पर आके बंदर 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 वाले काम कर रहे हैं। अच्छी
वहाँ पे फोटो शूटिंग, चलो मैं भी जा रही हूँ वहाँ। यार घूम नहीं रहे हैं कहीं, खाना खा के थोड़ी देर घूमना होता है। स्माइल सब बढ़ रही है, पता लग रहा है कि आप खुली बंद हो गई, हम घूम रहे हैं बस ऐसे ही। हमारा इवेंट सब तो हो गया और जो भी है प्राइस के अनाउंसमेंट ये लोग रिजल्ट लास्ट में सुनाएंगे, तब तक हम घूम लेते हैं सही। कहीं अच्छी बात है यार, हमारे फ्लॉर कॉलेज किया है तो ऑल द बेस्ट। यार पता पहले मेरे को बहुत नर्वसनेस हो रही थी, हमारी डॉक्यूमेंट ठीक ठाक है पर यहाँ पे स्टेट लेवल पे आके खराब हो चुकी है, इतनी अच्छी नहीं रही। बट जब जो देखी है ना डॉक्यूमेंट्रीज अच्छी है मेरी यार, सच्ची। हाँ नहीं वैसे सच में इतनी खास नहीं थी जितनी मैं सोच रही हूँ, इतनी अच्छी अच्छी होंगी। फर्स्ट आ गया यार, एक फर्स्ट आ गया हमारा कॉलेज। ऑडिटोरियम में हमारे रिजल्ट हमारा अनाउंस होएगा, तब ऑडिटोरियम में जा रहे हैं। इधर से पूरी पूरी उम्मीद घूम घाम के थक गए अब हम, बहुत घूम लिए और हाँ वैसे दीदी का फर्स्ट आया है इसमें हमारे कॉलेज से। सर हमने इस विषय पर उपलब्धि प्राप्त कर ली है क्योंकि हमने डिवीजन लेवल भी किए हैं ये कम्पिटिशन और हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल भी किए हैं, तो बच्चों को कुछ हद तक कानूनी शिक्षा के बारे में पता चला है। वो इसी अभी रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है, ये हमारे सर्टिफिकेट हमारा वही ये हमारा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है। बताते हैं हमारी डॉक्यूमेंट्री रिजेक्ट हो गई क्योंकि हमने नाम कॉलेज का नाम और हमारा खुद का नाम क्लास का मेंशन कर रखा था, मेंशन नहीं करना होता एक्चुअली, ना डॉक्यूमेंट्री हमारी अच्छी थी तो कोई बात नहीं ठीक है। अभी हमें जितना सैड होना था रोना धोना हमने कर चुका पहले ही, अब हमारे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के साथ हम तीनों को पार्टिसिपेशन डॉक्यूमेंट्री रिजेक्ट हो गई थी तो अब बैठ के मैं दुख मना रही हूँ। दुख में जितनों ने नाम मेंशन किया था हम ये खाने वाली हैं ठीक है, जितनों का नाम मेंशन था सबकी रिजेक्ट हो गई। तो हमने बाकी जो मैंने सोचा था ना, हाँ क्या क्या कहना चाहती हैं आप? मैं बोल रही थी कोई बात, बाकी जितना ना पहले से सोच के आई थी कि भाई हमारे वाली का तो क्या मतलब लेवल होगा और भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आए होंगे, पर जब देखी ना डॉक्यूमेंट्री सीरियसली कोई लेवल नहीं था मतलब उनका, बस ऐसे ही बस। तो फिर मुझे उम्मीद हुई कि चलो आ सकता है हमारा, एटलीस्ट थर्ड तो आ ही जाएगी, और फिर ऐसा भी चेक कर दिया। डॉक्यूमेंट्री का अनाउंस भी होने वाला था पहले ही रिजल्ट, फिर उनको उसको रोक के रखा फिर लास्ट में जाके, क्योंकि कुछ लोगों ने पता नहीं ऑब्जेक्शन लगा दिया था कि नाम मेंशन है ऐसा करके। कोई बात नहीं पर अब हम खाते हैं ये। हमारे कॉलेज की ना बस डॉक्यूमेंट्री वाली वजह से रिजेक्ट हुई, बाकी हमारे कॉलेज की सब में पोजीशन आई है, इसमें भी हमारी फर्स्ट पोजीशन आई है और पोएट्री में फर्स्ट आई है ना, सेकंड आई है मेरी, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट भी हमारे कॉलेज का सेकंड पार्ट में है, इसमें फर्स्ट हमारी काज मेरी भी होती है। पिछली बार की तरह भी उसे टी वाले ढाबे पे उतर गए, अभी सर ने मुझे पूछा कि इसको कोल्ड ड्रिंक पीनी है चाय यार ढाब
बस सही है, हम तो वॉशरूम के लिए आए थे यहाँ पे। नेगेटिव भी तो बहुत था, थिंक पॉजिटिव। या कौन सा एयरथिंग यहाँ सो जाते हैं इधर भाई, मैं चला वाली ये अच्छा।